हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण और लिफ्ट के बीच संबंध को लेकर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उन सब टॉपिक्स को पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पिंड का भार बढ़ेगा। अगर कोई लिफ्ट क्या है ऊपर की ओर जा रही तो उसके अंदर विद्यमान जो पिंड है उसका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाएगा, भार कम प्रतीत होगा। समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। डोरी टूटने से मुक्त पिंड के रूप में नीचे गिरेगा। ऐसी स्थिति में पिंड का भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति होती है। अर्थात क्या होगा कि जब डोरी टूट जाए तो वह क्या करेगा, एक मुक्त पिंड की तरह नीचे गुरुत्वीय त्वरण से या उससे अधिक स्पीड से वो नीचे की ओर आएगा और इसमें जो उसके अंदर विद्यमान है उसकी भारहीनता हो जाएगी। मतलब भार उसका पूरी तरह एकदम कम हो जाएगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है तो पिंड फर्श से उठकर छत से जा लगेगा। तो अभी मैंने बताया कि जब क्या होगा, डोरी टूट जाएगा और लिफ्ट क्या है कि मुक्त पिंड की तरफ गिरेगा। लेकिन अगर उसकी नीचे आने गिरने का जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो जो भी उसके अंदर व्यक्ति है या जो भी पिंड है, वस्तु है, वो लिफ्ट के छत से जाके टकरा जाएगा। यही स्थिति होती है। तो आज हमने देखा लिफ्ट और गुरुत्वीय त्वरण को लेकर के कुछ पॉइंट, जहाँ से लिफ्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बस यहीं से पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।